Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. जैसे कि आप जानते हैं, we are dealing with a topic called as gravitation. हम लोग ने अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट. मतलब सैटेलाइट को हम जब अर्थ से ऊपर की तरफ भेजते हैं तो उसमें क्या क्या कैलकुलेशन और कैसे कैसे सोचा जाता है और कैसे कैसे वेलोसिटीज देने पर सैटेलाइट्स के मोशन कैसे कैसे हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. ध्यान से सुनना. सो माय डियर चिल्ड्रन, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है. ओके, अब ये हमारा अर्थ है. ये अर्थ से हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इट्स लाइक वुड वी से अपना सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं. एक्चुअली अर्थ को थोड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा बिकॉज सैटेलाइट है ना, बहुत ऊपर भेजा जाता है, बहुत ही ज्यादा ऊपर भेजा जाता है. सो मान लेते हैं ये अपना अर्थ है विथ रेडियस आर. सो अर्थ के सर्फेस में से आप तो जानते हैं कि भाई सैटेलाइट को हम लोग ऊपर की तरफ भेजा जाता है. ऐसे जनरली सैटेलाइट को ऐसे लॉन्च किया जाता है. सो सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेजते हैं, हम क्या करते हैं, एक सर्टन हाइट पर भेज देते हैं. चलो मान लेते हैं एक सर्टन हाइट पर भेज दिया, ये रहा अपना हाइट. अब ये हाइट पर भेजने के बाद हम क्या करते हैं, इसको टर्न करते हैं और बेसिकली एक सर्टन वेलोसिटी आगे की तरफ देते हैं. एंड जिस वेलोसिटी की वजह से, मतलब कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हम लोग देते हैं सैटेलाइट को, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जब एक एप्ट वेलोसिटी होता है तब जाके वो सर्कुलर मोशन करती है. ओके, सो मान लेते हैं जो मैंने वेलोसिटी दी, अगर वो एप्ट वेलोसिटी रहेगा तब जाके क्या होगा, ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के आजू बाजू में करेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा. ऐसे इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा. तो ये सर्कुलर मोशन कब होता है, जब हमने जो भेजा है वो वेलोसिटी उसके एप्ट वेलोसिटी से इक्वल होती है. अब ये एप्ट वेलोसिटी करके बोल रहा हूं, ये बेसिकली एप्ट वेलोसिटी का कुछ ना उस तो नाम होगा ना, उसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जिस वैल्यू से अगर हम लोग ने सैटेलाइट को भेजा आगे की तरफ तो एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन करके वापस आता है एंड देन वापस घूमता रहेगा, लाइफ लॉन्ग घूमता रहेगा. अब बोलोगे सर जी होता क्या है, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हम लोग ने और बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है कि नहीं. सो बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वैल्यू due to which, with which if we are basically projecting the satellite, then satellite can perform proper circular motion. That is critical velocity. So, agar hamara, humne jo velocity se, V stands for velocity of projection. मतलब जिस वेलोसिटी से हमने सैटेलाइट को भेजा है उसको वी बोलेंगे. वी सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, जो एक फिक्स वैल्यू होता है. सो अगर हमारा वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड वेलोसिटी जो चाहिए सैटेलाइट को, देन कोई टेंशन नहीं है, सैटेलाइट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन सवाल उठता है कि भाई अगर हमारा वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से इक्वल नहीं निकला तो क्या करेंगे. दैट मींस अगर हमने जो वेलोसिटी से भेजा है, जिस वेलोसिटी से हमने सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया है, अगर वो कम निकला क्रिटिकल वेलोसिटी से, सो लॉजिकली स्पीकिंग क्या होता है, सी स्पीड अगर अप्रोप्रिएट रहेगा तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन होगा. स्पीड अगर अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक टू अर्थ. यस, इट विल फॉल डाउन. सो व्हाट विल हैपन, इट विल परफॉर्म सर्कुलर एलिप्टिकल मोशन एंड एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म करके वापस अर्थ की तरफ गिर जाएगा, विच विल कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन. ये कब होता है, जब हमारा वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है. इट विल परफॉर्म एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इट विल कम बैक टू अर्थ. देन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ हमारा वेलोसिटी, देन व्हाट विल हैपन, सी ज्यादा मतलब एक सर्टन लिमिट तक अगर ज्यादा हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आजू बाजू में रहता है. वो लिमिट को हम बुलाते हैं एस्केप वेलोसिटी. सी नाम से ही आपको पता चलता होगा, एस्केप वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जिसमें से अगर हम लोग ने भेजा तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल सरफेस से एस्केप होके चला जाएगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग ने वेलोसिटी जो हमने भेजा वो अगर एस्केप वेलोसिटी से इक्वल निकला तो ऐसे आगे की तरफ चला जाएगा. इधर से भेजा तो भाई इधर से आगे की तरफ चला जाएगा. सो दिस हैपन्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी. ओके, अगर हमने जो वेलोसिटी भेजा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ना ही वो एस्केप वेलोसिटी से इक्वल है ना ही वो क्रिटिकल वेलोसिटी से इक्वल है, इन दोनों के अगर बीच में रहेंगे तो, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ा है. हमने अभी डिस्कस किया कि भाई एस्केप वेलोसिटी से इक्वल रहेगा तो ही वो बाहर की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. क्रिटिकल वेलोसिटी से इक्वल रहेगा तो ही वो सर्कुलर मोशन कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती. मतलब अगर इन दोनों के बीच में रहेगा वैल्यू तो ना ही वो सर्कुलर मोशन करेगी ना ही वो बाहर जाएगी, फिर क्या करेगी,
फिर पता है क्या करेगी, फिर वो करेगी, मतलब यहाँ से अगर हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, फिर वो करेगी एलिप्टिकल मोशन, अंडे के शेप में घूमेगी वो। यस, अंडे के शेप में। सो दिस कैन हैपन ओनली इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, देन ओनली दिस कैन हैपन, एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो एक सीक्वेंस पता चल गया होगा, वेलोसिटी अगर कम है क्रिटिकल से तो गिर जाएगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट परफॉर्म करके गिर जाएगा, क्रिटिकल से इक्वल रहेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, क्रिटिकल से ज्यादा बट एस्केप से कम रहेगा तो एलिप्टिकल ऑर्बिट परफॉर्म करेगा और अर्थ के आजू बाजू में रहेगा, गिरेगा भी नहीं जाएगा भी नहीं। एस्केप से इक्वल रहेगा तो जाएगा, जाएगा कौन सा शेप बना के जाएगा, पैराबोलिक शेप बना के जाएगा। अगर एस्केप से भी ज्यादा रहेगा, सी एस्केप पे अगर जाने वाला है तो एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी डालोगे तो डेफिनेटली जाने वाला है, वो रुकने तो नहीं वाला, तो जाने ही वाला, दैट इज फॉर श्योर। बट क्या है, ऐसे आराम से जाने की जगह पे वो क्या करेगा, एकदम फटाफट निकलने की कोशिश करेगा, इधर से भेजो तो ऐसे निकलेगा, इधर से भेजो तो ऐसे निकलेगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोला बोलते हैं इस पाथ को। ये कब होता है, जब हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप से भी बड़ा होगा तो। सो देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज, 5 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी, अगर v लेस देन vc रहेगा, ये सबसे पहला पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, एलिप्टिक, मैं जस्ट पॉइंटर्स बताता हूँ आपको, ये पॉसिबिलिटीज है, ये पहला कंडीशन। इसमें क्या क्या होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ से फॉर्म होती है द सैटेलाइट विल फॉल बैक टू अर्थ, मैं जस्ट पॉइंटर्स बता रहा हूं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी होगा तो क्या होती है, सर्क्यूलर पाथ होती है, इट विल नॉट फॉल बैक, वो तो अंडरस्टूड है। थर्ड केस में क्या होती है, वी जो होती है वो वी सी और वी ई के बीच में अगर होगा तो क्या होगा, एलिप्टिकल पाथ, इट विल कंटिन्यू। सो कुछ नहीं लिखा, मतलब समझ जाना कि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेगी। ओके, रिवॉल्व, आर ई वी स्टैंड फॉर, वो रिवॉल्व हो जाएगी। जस्ट आपके आपके नोटिस, आपके ध्यान में रहने के लिए पॉइंटर्स बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ स्टेज क्या है, जब हमारा वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से इक्वल होती है तो उस टाइम पे क्या, कौन सा पाथ बनाएगी, पैराबोलिक पाथ बनाएगी एंड वो एस्केप हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। फिफ्थ केस क्या है, जब हमारा वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा निकला तो हाइपरबोलिक पाथ से एस्केप हो जाएगी। ओके, तो ये 5 कंडीशंस होते हैं, 5 ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, बात खत्म। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ने प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट लिखा, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।